चैनल अगेन। सो एक वीडियो अपलोड हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो सोच रहे हैं कि बना लेते हैं थोड़ा, पर क्या बनाए तो दिमाग में नहीं आ रहा है। तो एज ऑफ नाउ आज थोड़ा काम है, लेने जाना है एक सिम। बेसिकली जो मेरा सिम है वो बेसिकली काम नहीं कर रहा है, तो उसको एक्सचेंज करना है। तो अभी अभी जाएंगे एयरटेल स्टोर में, तो दिखाते हैं अगर कुछ दिखाने लायक है और ये ब्लॉग कंटिन्यू करने के लायक है तो ज़रूर कैप्चर करेंगे। तो हाँ, तो एयरटेल का ऑफिस में अभी जाना है मुझे। तो जैसे कि बोला था, मेरा जो सिम है वो ख़राब हो गया है अभी। तो अभी जाके देखते हैं, काम वगैरह हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो बाद में आना पड़ेगा, थोड़ा लेट हो गया अभी आने को। तो लेट्स सी। मेरा तो डुप्लीकेट सिम मिल गया है मुझे, नया सिम। तो अभी तो फिलहाल थोड़ा देख लेते हैं, सिटी सेंटर आ ही गए तो थोड़ा शॉपिंग वगैरह भी करने का इरादा है, अगर कुछ मिलता है तो। हाँ, एयरटेल के ऑफिस में तो वीडियो कर नहीं पाया। तो ये एक चीज़ जो है मुझे अच्छा लगा है, ये जो लाइटिंग जो दिख रहा है पूरा व्हाइट लाइटिंग है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। है कोलकाता स्टोर देख सकते हो, ट्रेन का डिब्बा टाइप का बनाया हुआ है। तो सिटी सेंटर के सामने घूमते घूमते यहाँ पर आ गए, तो सामने दिख रहा है कि यहाँ पर बेकारी फेस्ट चल रहा है। तो मेरे पीछे जो देख सकते हो आप, बेकरी फेस्ट बहुत सारा काउंटर बना हुआ है। तो ये रहेगा 3 दिन, आज से स्टार्ट हुआ है, 17, 18 और 19 जो यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लगभग 20 से 25 काउंटर बना हुआ है। तो जिस अभी लग रहा है कि दिसंबर का महीना आ गया, क्रिसमस टाइम तो ऑलरेडी आ गया है। तो जिन लोगों को बेकरी का चीज़ पसंद है तो आप लोग आ सकते हो, ये सिटी सेंटर 1 में है, और टेस्ट करके जा सकते हो। तो काउंटर तो बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर, मेनू भी है बहुत सारा। तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा पहले कूपन, पैसा दे के तो पीछे बैठा हुआ है कूपन लेके, तो कूपन वगैरह ले लो और फिर जाओ के काउंटर में और टेस्ट करते रहो। तो मैं भी कुछ आइटम यहाँ पर टेस्ट किया तो बहुत अच्छा लगा, तो ज़्यादा कुछ टेस्ट नहीं कर पाया, तो बाद में आएंगे, अभी टाइम थोड़ा कम है। मेरे पीछे बना हुआ है क्रिसमस का डेकोरेशन, तो बहुत काफ़ी सुंदर सजाया हुआ है। तो लग रहा है क्रिसमस आने वाला है। तो आज तो ऑलमोस्ट हो गया दिसंबर का 17 और 18, तो कुछ ही दिन में आ जाएगा क्रिसमस, 25 दिसंबर। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। तो जस्ट सिटी सेंटर के सामने मिल गया, देखो विंटेज जीप। तो जीप तो जो है देखने में मस्त लग रहा है, क्या बोलते हो, लेना चाहिए कि ऐसे? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आए थे एक छोटा सा काम खत्म करने के लिए, पर यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल गया और आप लोगों से शेयर भी किया। तो अभी घर की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों से मिलते हैं घर पहुँचकर।
तो घर के स्नैक्स वगैरह खाया और थोड़ा चाय भी बनाया था, तो खा के थोड़ा मार्केट गए थे, डिनर बनाना होगा। तो मार्केट में जाके मिल गया, बहुत दिन से ट्राई नहीं किया था, तो आज दिखा के मिल गया है। तो वो है पुई का साग। तो ये देखो, इसका कलर पूरा ग्रीन है, देख के लग रहा है कच्चा ही खा जाए, पर कच्चा तो नहीं खा सकते, पकाना पड़ेगा इसको, और पकाने के लिए मेहनत भी ज़्यादा बहुत पड़ता है। तो ये है पुई साग का चटचुरी, जो बंगाली में बोलते हैं चटचुरी। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है अभी, तो थोड़ा देर में ये पूरा पक जाएगा। तो क्या लगता है आप लोगों को, चिकन बनाना आसान है और वेज में पुई साग का जो मैं अभी बोला कड़ी, और क्या बोलते हैं इसको, चटचुरी, आप बोलिए आप लोगों को क्या लगता है कौन सा चीज़ बनाना आसान है, प्लीज़ कॉमेंट। डिनर कर लिया और रात बहुत हो गया, तो दिन बहुत लंबा था आज लग रहा है, सुबह से स्टार्ट हुआ था 9 बजे से, और कुछ जो काम था वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आज यहीं पर ही ख़त्म करते, कल एक छोटा सा काम है, तो कल दिखाएंगे क्या करने जा रहे हैं। और फिलहाल गाइस, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलते हैं कल और एक नए ब्लॉग के साथ। फिलहाल चलिए, बाय।